हेलो, क्या नाम है आपका? नाम? लव। नाम लव? लव जो भी नाम है, नाम बताओ उसको। चंद्रप्रभा। नाम बोलो। चंद्र। अभी कैसा सुनाई दे रहा है पूछो। आप बताओ दीदी। दीदी आप बताओ, आपकी क्या रिपोर्ट है आज की इस बच्चे के बारे में? काफी कुछ सुन लिया। वो बहुत बढ़िया से गाना सुन रही थी जी, जी। और अभी मैं रिकॉर्डिंग फिर से पूछ रहा हूँ, इसको पूछो सुनने में कैसा लग रहा है। आप रिकॉर्डिंग करना दीदी तुरंत। पहले बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अब सुन रहे हैं। हाँ, इनकी बात सुनिए कि पहले बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अब सुन रही है। ये कहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग? दूर दूर दूर। नजर गिनती नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में मैंने ट्रीटमेंट की है। कोई भी केस फेल नहीं होता है। नशे सूख जाने से आया हुआ कान के तमाम प्रकार का बहरापन संसार में किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं मिलता है। किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं आप एक घंटे में? ये माइक्रोफाइन ट्रीटमेंट है, इसमें कान में डालने की दवाई है और खाने की दवाई है। वो नशे चालू कर देती है, नशे चालू करने के बाद में सुनने लगता है। ये जो दवा आपकी होम्योपैथी एलोपैथी आयुर्वेद क्या है? ये दवाई पेटेंटेड है और कान में डालने की दवाई का पेटेंट और ट्रेडमार्क होता है और होम्योपैथी सपोर्ट मेडिसिन है। पहले आप एक घंटे की दवा डालते हैं, उसमें एक घंटे वेट? एक घंटे में ही सुनने लगता है, एक घंटे में ही बच्चा सुनने लगता है। उसके बाद में जो 3 महीने की दवाई देते हैं वो प्रोग्रेसिव मेडिसिन है। प्रोग्रेसिव इसलिए है कि कान में हियरिंग लॉस कम हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, नशे को जो डेवलपमेंट हो जाए, समझने लगे, बोलने लगे, स्पीच थेरेपी करने लगे। डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है क्योंकि इन्होंने जीवन में कभी बोला, तो स्पीच थेरेपी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी दवा है? बिल्कुल, स्पीच थेरेपी के बिना मतलब ही नहीं है सुनने का। केवल सुनना मतलब खाली हॉर्न सुनने से नहीं होगा, अब बच्चियों को सुनवाना, बोलना है, जीवन का निर्माण करना है, और वो स्पीच थेरेपी के बिना नहीं होगा। मैं आपको यहाँ के प्रिंसिपल उनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। जिस बच्ची ने पहली बार जीवन में कुछ सुना है, उनके चेहरे की चमक इन्होंने भी देखी। आपको कैसा महसूस हुआ जब इस बच्ची ने पहली बार कुछ सुना? आपको बहुत खुशी हुई क्योंकि पहले कुछ रिस्पांस नहीं कर रही थी। अभी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद वो कुछ सुनने लगी और बोलने लगी है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। आप क्या सारे बच्चे बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? जरूर। अरे आप मानती हैं क्योंकि आप बरसों से इन्हीं बच्चों के बीच में हैं। जब बच्चा पहली बार कुछ बोलता सुनता, उसके साथ साथ आपके चेहरे की चमक भी मैंने देखी, ये सारे बच्चे जिस दिन सुनने लग जाएंगे उस दिन कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा चमत्कार हो गया है, ये बच्चे सब बोलने सुनने लगे जो बोलते कभी नहीं। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से एक चमत्कार मुकुदित विद्यालय में हो रहा है। पहली खेप में इन्होंने सारी छात्राओं को लिया, बाद में छात्रों को लेके, और वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं अगर ये सारे के सारे बच्चे सुनने और बोलने लग जाए। और एक बच्चे को तो हमने खुद ने जीवन में पहली बार बोलते और सुनते देखा है। काश ईश्वर की कृपा हो और इनको जो जन्मजात बीमारी, इससे इनको छुटकारा मिल जाए। कैमरा मैन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, सिटी न्यूज़, भीलवाड़ा।